हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस, योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, डेढ़ बज चुका है और डेली मैं इसलिए टाइम बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे और आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करो, ठीक है। और अब बोलते बोलते बहुत दिन हो गया है, ठीक है। तो अब मैं अगर नहीं भी बोलूँ तो आपको याद रहना चाहिए, 1:30 में आपका क्लास होता है। कितने बजे? 1:30 दोपहर में। तो आप सभी ऑनलाइन आ जाया करो, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत किया करो। यूट्यूब के भरोसे अगर रहोगे, नोटिफिकेशन के भरोसे अगर रहोगे तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा और 1:30 दोपहर में आपको ऑनलाइन अपने से आ जाना है और क्लास करना है, ठीक है। तो चलो, और जो नहीं आ पाते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो नहीं आ पाते हैं, उनको जल्दी से शेयर करके बताओ और उनको भी ऑनलाइन बुला लिया करो। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। आपको ये बताना है कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा कब जोड़ा गया था। तो आपका सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था। और सर्वप्रथम किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अब देखो, इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा था? तो ये पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को तो नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। आज के टेस्ट का आपको दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष भारत आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब भारत आया? 1854, 1857, 1858, 1861। तो इसका सही आंसर है 1854। 1854 में वुड डिस्पैच भारत आया था। और ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है शिक्षा से संबंधित। यह शिक्षा संबंधित एक घोषणा पत्र था, ठीक है। यह 19 जुलाई 1854 को आया था। कब आया था? 19 जुलाई 1854 को। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? अंग्रेज सरकार ने बिहार को किस वर्ष अलग प्रांत बनाया था? आपका सही आंसर है 1912। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके टेस्ट का अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? आपका ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, साराभाई या सरदार पटेल। फटाफट कमेंट में आंसर करो, सिर्फ आंखों से देखने से काम नहीं चलेगा। आप जल्दी से बताओ कि कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़े थे। तो आपका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। कौन जुड़े थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जुड़े थे। अब नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में, ठीक है, 1930 में। लेकिन डेट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेट भी याद रखना है। ये हुआ था 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये डांडी मार्च चला था। देखो, नमक सत्याग्रह इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है डांडी मार्च, ठीक है। इसको सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी साबरमती आश्रम से कहाँ तक गए थे? ये गए थे डांडी, जो एक सी कोस्ट है, वो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। डांडी कहाँ है? यह है गुजरात में, यह भी आपको याद रखना है। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में ये चला। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कौन उनके साथ जुड़े थे, सरोजिनी नायडू उनके साथ जुड़ी थी। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत यानी आजाद हिंद की अंतकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया। कहाँ किया? रंगून में, टोक्यो में, सिंगापुर में, वियना में। तो आपका सही आंसर है सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में नेताजी ने 1943 में आजाद हिंद अंतकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया। तो आपका सही आंसर है कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से याद रखना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे 1912 में प्रकाशित किया था, ये भी आपको याद रखना है। 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है।
और वंदे मातरम ये किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वीं संशोधन द्वारा जोड़े गए? क्या होगा? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार से रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है? तो आपका सही आंसर है मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्सा थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें, सॉरी 42वां नहीं, 44वां, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें क्या किया गया था? उसमें हमारे 7 मौलिक अधिकारों में से एक को हटा दिया गया था और इसके बाद मात्र 6 मौलिक अधिकार रह गए। कौन सा अधिकार हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर है राज्यपाल। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता किस तरह की होती है? भारतीय गणतंत्र में आप जानते हो भारतीय, भारत एक राज्यों का संघ है, तो भारतीय गणतंत्र में राज्य की सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक, अस्थायी, अनिवार्य या उनके पसंद के अनुसार? आपका सही आंसर है यह अनिवार्य होता है। सभी राज्य भारतीय गणतंत्र के सदस्य हैं, ये अनिवार्य है और ये ऐच्छिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो आपका सही आंसर है मौलिक अधिकार। अच्छा देखो, यूएसए से बहुत सारा चीज लिया गया है हमारे संविधान में, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, ठीक है, न्यायिक पूर्णावलोकन। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ये भी यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग भी यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का विधि भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो आपका सही आंसर है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज है जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन सा राज्य है जो आपके ऑप्शन में है जिसका सीमा चीन से जुड़ा हुआ है? नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सीमा चीन से जुड़ा हुआ है। चीन से कौन कौन से राज्य के सीमा जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहला है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कितना राज्य हो गया आपका? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य है जिसका सीमा चीन से मिलता है। अब यहाँ पे चीन के साथ साथ आपसे म्यांमार का भी पूछा जाता है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन कौन सा राज्य है? कौन कौन सा है? यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये नोट डाउन कर लेना, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कौन है? यह है नागालैंड, उसके बाद है आपका मणिपुर, उसके बाद है मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिसका सीमा म्यांमार से मिलता हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और फिर मणिपुर। और फिर आपसे एक पूछा जाता है बांग्लादेश से। ये 3 चीज है जिससे आपसे पूछा जाता है, एक पाकिस्तान का भी पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बांग्लादेश का बता देता हूँ। बांग्लादेश से कौन कौन सटा हुआ है? तो ये है आपका मिजोरम, इसके बाद है त्रिपुरा, इसके बाद है असम, इसके बाद है मेघालय और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इन सबका बाउंड्री जो है वह बांग्लादेश से मिलता हुआ है। किसका किसका? फिर से आप एक बार सुन लो, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसका बाउंड्री बांग्लादेश से मिलता हुआ है।
अब आपसे पाकिस्तान का भी पूछा जाता है, पाकिस्तान और भारत के कौन से राज्य का बाउंड्री मिलता हुआ है? तो पाकिस्तान के साथ किसका किसका है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये चार राज्य हैं जिसका बाउंड्री पाकिस्तान से मिलता हुआ है। किसका किसका? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। झूम कृषि, झूम कल्टीवेशन, आप जानते हो ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? जनजातीय लोगों से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो, आप लोगों में से मैक्सिमम का आंसर था पहाड़ी लोगों से, लेकिन सही आंसर जो होगा वो है जनजातीय लोगों से। अगर ऑप्शन में रहता पहाड़ी जनजातीय आदिवासी लोगों से तो आपका आंसर होता वो, पहाड़ी लोगों से ये संबंधित है। लेकिन पहाड़ी लोगों में सभी लोग आ जाते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन पहाड़ी में रहने वाले सभी लोग ये झूम कृषि नहीं करते हैं। ये पहाड़ी आदिवासियों का एक कृषि का मेथड है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो चुनना है, पहाड़ी और जनजाति दोनों में से जो बेस्ट है वो है जनजाति लोगों का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है पेराम्बूर। पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। आप जानते हो चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ स्थित है? ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चितरंजन लोकोमोटिव ये चितरंजन में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? यह है पेराम्बूर, चेन्नई में। उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री आपसे पूछा जाता है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? यह है कपूरथला, ठीक है, कपूरथला, ये पंजाब में है कपूरथला, वहाँ है रेल कोच फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? आपका आंसर है अनायमुडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हिमालय पर्वत के अलावा पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत में उच्चतम चोटी है, यह है अनायमुडी। लेकिन अगर भारत में आपसे उच्चतम चोटी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा काराकोरम का K2, ठीक है। और अगर आपसे दूसरा पूछा जाए तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। लेकिन हिमालय के अलावे अगर पूछा जाएगा तो ये होगा अनायमुडी, जो साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट में है। ये वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे फिलोसफर वुल कहा जाता है? फिलोसफर वुल किसको कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके टेस्ट का, और 17वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार को वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? भारत सरकार को वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? आपका सही आंसर है आय और निगम कर। आय और निगम कर से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है भारत सरकार को। अगर इस दोनों में से अगर आपको चुनना हो तो निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स से सबसे अधिक आय प्राप्त होता है भारत सरकार को। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है कैथोड, एनोड, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है एनोड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन अगर पूछे तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, और रिडक्शन अगर पूछे तो ये हो जाएगा कैथोड पर। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? ये थे मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? जल्दी बताओ, कौन सा वो संविधान का अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 200, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 200, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भूटान का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? भूटान का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? यह है आपका दंगमेछू। क्या है नाम इसका? दंगमेछू, ठीक है, या द्रंगमेछू, ये भूटान का सबसे निचला बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? किसने किया था? ये किया गया था बदायूनी के द्वारा। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा रामायण का अनुवाद फारसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की मेसोस्फीयर परत लगभग तक फैली हुई है,
यानी कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है कौन सा, मेसोस्फीयर, ये आपको बताना है। वायुमंडल के सारे लेयर्स को आप जानते हो, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो आपको मेसोस्फीयर के बारे में बताना है कि यह कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, जल्दी बताओ। तो यह है लगभग 50 से 80 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से सटी हुई है। तो कितने भारतीय राज्यों से भारत और भूटान की सीमा सटी हुई है, तो कितने भारतीय राज्यों से सटी हुई है, ये लगभग 4 भारतीय राज्यों से सटी हुई है, ठीक है। कौन कौन सा है वो? वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, और कौन है, और है वेस्ट बंगाल, और कौन है, और है सिक्किम। तो ये 4 राज्य हैं जिसका सीमा जो है, बाउंड्री जो है, वो भूटान के साथ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दुबई में इंडियन पेवेलियन गुल फूड 2020 का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? गुल फूड 2020, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो हरसिमरत कौर बादल, जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में भारत के सबसे लंबे रेल पुल का निर्माण कर रही है किस नदी पर? जल्दी बताओ, किस नदी पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है, और ये किया जा रहा है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन के द्वारा। तो कौन सी नदी है वो? वो नदी है मकरू नदी। कौन सी नदी है? मकरू नदी है। और एक बार ये बन जाए, ये लगभग 100 मीटर लंबा है, ठीक है, और ये लगभग बन के जब तैयार हो जाएगा तो यह सबसे लंबा रेलवे पुल होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विजयनगर सम्राट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। अच्छा, विजयनगर सम्राट से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, पढ़ो पहले। पहला है, विजयनगर सम्राट की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। दूसरा है, विजयनगर सम्राट संभवतः मध्ययुग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में भद्रावती नदी के तट पर हुई थी। और चौथा है, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश का नाम संगम राजवंश रखा। तो ये सारे स्टेटमेंट हैं विजयनगर से संबंधित। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन गलत है, जल्दी बताओ। क्या होगा आपका सही आंसर? यहाँ पे देखो, आपका सही जो आंसर है वह हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में भद्रावती नदी पर नहीं हुई थी, बल्कि कौन सी नदी पर हुई थी? तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। और इनकी राजधानी थी हम्पी। अभी भी आपको जो अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का, वो हम्पी नदी के तट, हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इनकी राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, खाजा ए उल फुतुह पुस्तक के रचयिता कौन है? खाजा ए उल फुतुह इस पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है? यह है अमीर खुसरो, ठीक है, ये बुक अमीर खुसरो ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? इन चारों में से आपको बताना है कौन था। तो ये थे अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने तोप खाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ हस्तांतरित किया था? इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था उनके काल का, जल्दी बताओ कौन थे वो गवर्नर जनरल? तो वो थे डलहौजी, ठीक है। शायद 1856 में ये जो ट्रांसफर है ये किया गया था। तोप खाने का जो मुख्यालय पहले कोलकाता हुआ करता था, इसको इन्होंने मेरठ हस्तांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड हार्डिंग के समय में नहीं हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में कौन सा कार्य नहीं हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा है नरवली पर कानूनी रूप से प्रतिबंध, तीसरा है कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है लॉर्ड हार्डिंग के समय में कौन सा कार्य नहीं हुआ था, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। तो आपका जो सही आंसर है वो है कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत। ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में नहीं हुआ था, लेकिन प्रथम आंग सिख युद्ध हुआ था और नरवली पर कानूनी रूप से प्रतिबंध भी इन्होंने लगाया था।
अब यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इन सारे स्टूडेंट्स का जो ईयर है वो अगर याद है तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल क्या था। तो दोनों को जब तक टैली नहीं करोगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो लॉर्ड हार्डिंग का अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जो ईयर था यानी गवर्नर जनरल के रूप में जो इनका कार्यकाल था हुआ था आपका 1844 से लेकर 48 तक, ठीक है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 45-46 में, ठीक है, 45-46, 1845-1846 में ये हुआ था। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर वो आपको याद रहता तो आप इसको सही टिक आउट कर देते। दूसरा है नरवली पर कानूनी रूप से प्रतिबंध, तो इन्होंने ये लगाया था, ये आपको याद रखना। और कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की जो मरम्मत करवाई गई थी वह ऑकलैंड के समय में करवाया गया था, ठीक है, 1839 के आसपास इसको इसका मरम्मत हुआ था, ठीक है, और उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड किस महादेश में स्थित है। न्यूजीलैंड किस महादेश में स्थित है, किस महादेश में स्थित है न्यूजीलैंड, तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बहस का सब्जेक्ट ये मिल गया है और हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। देखो टोटल जो कॉन्टिनेंट है वो है 7, लेकिन कई जगह अब इसको 8 भी लिखा जाता है, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट और है जिसका नाम रखा गया, यही न्यूजीलैंड के नाम पर ही इसका है, जीलैंडिया। क्या नाम है उसका, जीलैंडिया, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आज याद रख लेना, ठीक है। अब इसको क्या है, जीलैंडिया क्या है, इसको विवादित कैटेगरी में रखा गया है, इसको कई जगह माना जाता है कई जगह नहीं माना जाता है, ठीक है। ये एक तरह का सबमर्ज कॉन्टिनेंट है और अलग है ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल पूरी तरह से। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर में क्या रहेगा आपका, जीलैंडिया, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा, ये 70% चांसेस इसी का है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये मैंने कराया हुआ है आपको, जल्दी बताओ कौन सा राज्य है। तो इसमें देखो बहुत सारे बच्चे मारेंगे गुजरात, कुछ बच्चे अगर राजस्थान रहता तो वो 100% वही मारते, लेकिन मैंने यहाँ पे राजस्थान रखा ही नहीं है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यह है मध्य प्रदेश, तो आपको याद रख लो अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला समाचार पत्र कौन सा था। बिहार का पहला समाचार पत्र तो ये था बिहार बंधु, ठीक है। इसका प्रकाशन 1872 में हुआ था बिहार शरीफ से, ठीक है, पटना के पास जो बिहार शरीफ है वहीं से इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके संचालक कौन थे, ये थे मोहन भट्ट। क्या नाम था उनका, मोहन भट्ट। और इसके संपादक कौन थे, हसन अली, ठीक है, हसन अली। ये दोनों नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोहन भट्ट इसके संचालक थे और हसन अली इसके संपादक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है और टाइगर के लिए ये फेमस है, आपको ये बताना है ये कहाँ है। तो ये है पश्चिमी चंपारण में, कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 तक डैश समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने के साथ भारतीय रेलवे के माल भाड़ा शुल्क जो है वह 50% तक कम हो सकता है। चलिए बताओ क्या होगा आंसर, आंसर होगा 2। अगर 2 समर्पित फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है वो पूरा हो जाएगा तो जो रेल भाड़ा है उसमें कटौती हो सकती है, क्योंकि जो लेंथ है जो अभी ट्रेवल करने में जो लेंथ कवर होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में 34वें कांस ओपन में निम्नलिखित में से कौन चैंपियन बना। तो कांस ओपन में कौन चैंपियन बना इस बार जो 34वां संस्करण था उसमें, तो ये है डी गुकेश, ये बने हैं चैंपियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 1 वर्ष पूरा हो गया, योजना कहाँ शुरू की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, तो आपका सही आंसर है गोरखपुर, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसको गोरखपुर से लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 में राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो 2022 में राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबान कौन रहेगा, कौन रहेगा, ये रहेगा भारत, ठीक है। ईयर आपको याद रखना है 2022 में जो होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है कि एटीएम से नकद निकासी के मामले में भारत के बाद दूसरे स्थान पर कौन है। तो भारत के बाद
एटीएम से पैसे निकालने के मामले में दूसरे स्थान पे है चीन, ठीक है, प्रथम स्थान पे है भारत। अगला क्वेश्चन है, किसने खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरने वाली सबसे तेज दिव्यांग लड़की बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन है वो? वो है जिया राय। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है अभी 14 किलोमीटर तक तैरकर, ठीक है, और ऐसा करने वाली यह दिव्यांग लड़कियों के कैटेगरी में सबसे तेज जो स्विमर है वो बन गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एकीकृत पंजीकरण कार्ड पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? एकीकृत पंजीकरण कार्ड ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया देश का? ये राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद होसनी मुबारक का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मोहम्मद होसनी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये थे मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बांग्लादेश संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? किसको आमंत्रित किया गया था? प्रणब मुखर्जी को। और ये मुजीबुर रहमान, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनको बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, और इन पर अभी एक मूवी भी बनना है, ठीक है, श्याम बेनेगल उसके डायरेक्टर होंगे, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यू विन मिंट फरवरी 2020 में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? यू विन मिंट किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये म्यांमार के राष्ट्रपति हैं और फरवरी में ये भारत की यात्रा पे आए थे। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया, आपको बताना है योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना को कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है, कब किया गया था शुरू? ये योजना 2015 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, TRA रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे वांछित ब्रांड कौन सा है? तो आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन जो है, इसमें से आपका चारों ब्रांड में से चुनना है कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड और डिजायर्ड ब्रांड कौन सा है भारत में। कौन सा है? ये है सैमसंग मोबाइल का, ठीक है, और ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये रिसर्च करके बताया है, और सबसे ज़्यादा डिमांडेड ब्रांड है सैमसंग, दूसरे स्थान पे आपका एप्पल, ठीक है। तीसरा है, सेरोगेसी विधेयक 2020 ने सेरोगेट माँ के लिए कितने महीनों के लिए बीमा कवर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? सेरोगेसी विधेयक के अनुसार अब जो है सेरोगेट माँ के लिए बीमा का कवर जो है कितने महीनों तक बढ़ा दिया जाएगा? कितने महीनों तक? तो ये है आपका टोटल 36 महीनों तक। कितने महीनों तक? 36 महीनों तक इसका बीमा कवर बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने चाबहार बंदरगाह के विकास को गति देने के लिए एक कंपनी इंटरपोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का गठन किया है, बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह ये 2017-18 से बहुत ही चर्चे में है, ठीक है, भारत ने इसको बनाया है, भारत का बहुत सारा पैसा इसमें लगा हुआ है, किस देश में आपको ये बताना है? ये है ईरान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में आयुर्वेद, यूनानी और चिकित्सा की सिद्ध प्रणालियों में निदान और शब्दावली के मानकीकरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन, आई होप कि आपने जरूर कुछ ना कुछ आज भी सीखा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते जाओ, आप कुछ ना कुछ सीखोगे और कुछ आपका रिवाइज भी होता जाएगा, क्लियर है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में, टेक केयर, बाय बाय।